85% पहली डोज लग चुकी है, दूसरी डोज भी 80% से ज्यादा लोगों को लग चुकी है, उसके बाद बूस्टर डोज 40% के करीब लोगों को लग चुकी है, लेकिन फिर भी मैंडेटरी किया जा रहा है। और जस्टिन ट्रूडो कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि जो भी लोग अनवैक्सीनेटेड हैं, और टू बी स्पेसिफिक उन्होंने कहा कि यूएस कनाडा बॉर्डर से जो भी ट्रक ड्राइवर्स आएंगे वो अगर वैक्सीनेटेड नहीं है कंप्लीटली तो उन्हें 14 दिन का मैंडेटरी क्वारंटाइन में रखा जाएगा। इसीलिए लगभग जो जानकारी मिल रही है 50,000 ट्रक ड्राइवर्स ने पूरे कनाडा में विरोध शुरू कर दिया है। और जहां तक बात करें कनाडा की कैपिटल की, तो ऑफिशियली ये डेटा है कि 2700 ट्रक्स ने कनाडा की कैपिटल को ब्लॉक कर दिया है, वहां की पार्लियामेंट को कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से सुरक्षा कारणों के कारण जस्टिन ट्रूडो को एक सेफ लोकेशन पर, अनआइडेंटिफाइड लोकेशन पर अब ले जाया गया है उनके परिवार के साथ। जस्टिन ट्रूडो जो पहचाने जाते हैं इसलिए कि दुनिया में कहीं भी कुछ भी हो रहा हो वो अपने हिसाब से एक कमेंट जरूर देते हैं, लेकिन जब से ये प्रोटेस्ट उनके देश में शुरू हुआ है कोई भी कमेंट उनकी तरफ से नहीं आया है। अब इसको क्या ही समझे। एक बार बात कर लेते हैं कि प्रोटेस्ट क्यों हुआ है। जैसा मैंने बताया कि जो मैंडेटरी वैक्सीनेशन है उसके खिलाफ ये ट्रक ड्राइवर्स ने प्रोटेस्ट किया है, और वो ये चाहते हैं कि माई बॉडी माई चॉइस होना चाहिए, ये हमारा अधिकार होना चाहिए। लेकिन यहां तक तो बात ठीक थी, जब जस्टिन ट्रूडो का इसके बाद बयान आया कि देयर इज अ स्मॉल फ्रिंज ऑफ पीपल हु आर नॉट वैक्सीनेटेड एंड आर डेंजर टू देमसेल्फ एंड अदर्स, मतलब कुछ ही लोग हैं जो वैक्सीनेटेड नहीं है और जो वैक्सीनेशन नहीं लेना चाहते, जो खुद के लिए तो खतरा है ही दूसरों के लिए भी खतरा है, तो उसके बाद ये जो प्रोटेस्ट है भारी भरकम हो गया, बढ़ गया, पूरे कनाडा में इसका विरोध शुरू हो गया। इस विरोध के बाद अब एक सेफ लोकेशन पर जस्टिन ट्रूडो तो जा चुके हैं, लेकिन कैपिटल कनाडा की पूरी तरीके से ब्लॉक है। लेकिन यहां पर एक और चीज है कि जब ये प्रोटेस्ट हुआ और जब ये ब्लॉकेज हुई कैपिटल की, जब सेफ लोकेशन पर जस्टिन ट्रूडो गए, तो भारत में ट्विटर पर एक ट्रेंड चल रहा था, कर्मा स्ट्राइक। ये क्यों चल रहा था? हालांकि भारत में अभी तक ऐसा कोई प्रोटेस्ट नहीं हो पाया, क्योंकि भारत की सरकार ये कहती है सुप्रीम कोर्ट में भी, और अगर आरटीआई भी आप लगाते हैं, कि जो कोविड वैक्सीनेशन है वो मैंडेटरी नहीं है। रियलिटी हम सभी को पता है, उस पर बात करना ना करना बराबर है, पहले बात कर चुके हैं। तो भारत में एक ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा था कर्मा स्ट्राइक्स, जब वो अनसेफ, ये जो है सेफ लोकेशन पर जस्टिन ट्रूडो गए, और जब ये प्रोटेस्ट कनाडा में हो रहा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पिछले साल जब किसान आंदोलन भारत में चरम पर था, तो उस समय 26 जनवरी को पिछले साल क्या हुआ हम सभी ने देखा। उसके बाद जस्टिन ट्रूडो ने एक कमेंट किया था अपने ऑफिशियल अकाउंट से कि भारत सरकार को संज्ञान लेना चाहिए जो किसान सड़कों पर बैठे हैं उनके लिए। कहने का मतलब है कि जस्टिन ट्रूडो ने भारत के आंतरिक मामलों में अपना जो है इन्वॉल्वमेंट दिखाया था, और वो दिखाया किस लिए था, क्योंकि वहां पर जो सिख वोटर्स हैं कनाडा में वो काफी मात्रा में है, और वो उनको लुभाने के लिए इसलिए उन्होंने ऐसा किया। उसके बाद जो यहां पर भारत से भी, भारत की सरकार से भी प्रतिक्रिया मिली थी, लेकिन अब जो ये ट्रेंड चला था ये उसी के लिए चला था कि वो खुद अपने मामले नहीं सुलझा पा रहे हैं, इसलिए उनके कर्मा ने उनको स्ट्राइक किया है जो है अब। लेकिन जो मेन जो बात है वो ये है कि जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो सिर्फ कनाडा में नहीं हो रहा, वो और भी बड़े बड़े देशों में हो रहा है, लेकिन दिक्कत ये है कि किसी भी मीडिया में कहीं पर भी इस प्रोटेस्ट के बारे में ज्यादा कुछ दिखाया नहीं जा रहा। कनाडा में इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि कैपिटल तक ब्लॉक हो चुकी है कनाडा में, पूरे कनाडा में एक बड़े हिस्से में ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है, और यहां तक की नौबत आ गई कि उनको, जस्टिन ट्रूडो को अपनी सेफ्टी का कंसर्न लग गया, उनको एक बड़ा खतरा इससे लग गया, इसीलिए उन्हें
जो है वहां पर ले जाया गया, और अभी तक कोई इसका हम ये कह सकते हैं कि कोई सॉल्यूशन नहीं है, और ना ही कोई बयान आया है कि ये जो मैंडेटरी वैक्सीनेशन है इसकी तरफ से जो कैनेडियन गवर्नमेंट है उसकी तरफ से कोई बयान नहीं आया है, कोई हेल्थ डिपार्टमेंट है उनका तो उसकी तरफ से कोई बयान नहीं आया है कि इसका आगे क्या होगा। अभी तक हम ये मानकर चल सकते हैं कि जो 14 डे क्वारंटाइन है वो अभी भी चल रहा है कनाडा में, और शायद इसी को लेकर ट्रक ड्राइवर्स ने जो अपने आंदोलन है, जो अपनी क्रांति है, वो अभी भी कंटिन्यू रख रखी है। आप इसमें अगर कुछ जोड़ना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।